मिलिए पाकिस्तान की पहली एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर सारा कुरैशी से, जिन्होंने जहाजों के लिए सुपरसोनिक इंजन इजाद करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। डिमांड है फास्ट ट्रैवल की, लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाएं चंद घंटों में, तो हमने एक जेट इंजन पूरा बनाया है। मैडम मुझे ये बताएं, आपने आपकी इन्वेंशन के बारे में बताएं, आपने जो एरोस्पेस इंजन तैयार किया है, ईजाद किया है, उसके बारे में। अच्छा, हमारे बेसिकली दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, दो तीन किस्म के इंजन्स पे हम काम कर रहे हैं। मैंने जेट इंजन्स में पीएचडी की हुई है यूके से, और इससे पहले मास्टर्स भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया हुआ है, जिसमें मैंने ड्रोन्स पे काम किया हुआ है। तो पीएचडी के बाद हमने एक माहौल दोस्त इंजन की एक ईजाद थी जो मेरे वालिद साहब ने और मैंने की थी, और उसके ऊपर फिर हमने एक कंपनी बनाई एरो इंजन क्राफ्ट, जिसमें हम ये काम हमने उस माहौल दोस्त इंजन को बनाना शुरू किया। जब हम उसे बना रहे थे तो उसके लिए हमें एक बेसिक जेट इंजन चाहिए था, जैसे एक टर्बो जेट इंजन होता है, तो ताकि हम अपनी जो ईजाद है उसके ऊपर फिट करके टेस्ट कर सकें। लेकिन हमें यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ मुहैया नहीं थी आसानी से, तो हमने अपना एक जेट इंजन बनाया, और वो पाकिस्तान का एक पहला जेट इंजन था। उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर एक अपनी एक ईजाद बनाई जो कि उसके धुएँ को प्रोसेस करती है और उसको उसमें से आबी बुखारात निकाल लेती है और उनको पानी में तब्दील करती है, ताकि उनके आबी बुखारात से जो ग्लोबल वार्मिंग है आसमान में वो ना हो, उसको माहौल दोस्त बनाती है। और इसके अलावा ये जो तीसरी ईजाद है ये एक सुपरसोनिक इंजन की है। सुपरसोनिक आपको पता है, जेट इंजन जब आप बात करते हैं तो इसमें दो किस्म के इंजन होते हैं, सबसोनिक और सुपरसोनिक, जो कि हम आम कमर्शियल यूज़ के लिए। सबसोनिक ये हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड से कम पे फ्लाई करते हैं, जैसे कि आप ये देखते हैं जो आसमान में बोइंग और एयरबस जिसमें हम सफ़र करते हैं, मसलन आप अंदरून मुल्क भी सफ़र करते हैं, इस्लामाबाद से कराची या बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में जाते हैं। इसी तरह का एक इंजन था जो कि बहुत तेज़, इस आजकल के इंजन से उसकी कम से कम दुगनी या तिगनी रफ्तार थी, जिसको हम कहते थे कॉन्कॉर्ड, और उसको कहते थे वो एक सुपरसोनिक इंजन था कि उसकी जो स्पीड थी फ्लाइट की वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। अब हम साउंड की स्पीड से इसलिए नापते हैं क्योंकि आसमान में जो है वो एक जो हवा होती है वो एक तरह से कंप्रेस होती है और उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, और उसमें से जब साउंड या आवाज़ होती है वो एक प्रेशर वेव की तरह आती है। तो जैसे आप मिलिट्री के प्लेन्स देखते हैं, ये F-16 या ये दूसरे JF-17, ये जब आप उड़ते हैं तो कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा है जहाज़ की, तो वो जो आवाज़ होती है वो एक तरह से कंप्रेस होके इकट्ठी होके एक धमाका करती है। तो इसी तरह अगर हम इसी स्पीड से एक कमर्शियल जहाज़ को उड़ाना चाहें कि वो बहुत तेज़ जाए, आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ जाए, तो ज़ाहिर है वो भी जब आसमान में उड़ेगा तो एक तरह से धमाके होंगे, ठीक है। तो कॉन्कॉर्ड एक ऐसा जहाज़ था जो बनाया गया इस मकसद के लिए, और उसका ये मसला था कि उसका इंजन ऐसा था कि जब वो टेक ऑफ करता था या लैंड करता था तो उसका बहुत ज़्यादा शोर था। एक शहर के माहौल के लिए जहाँ पे एयरपोर्ट हो, ये बहुत ही एक तरह से डिस्टर्बिंग चीज़ है। कॉन्कॉर्ड थी 20 साल या इस तरह उसने फ्लाई किया, या उससे थोड़ा ज़्यादा 20-22 साल, तो उसमें यही था कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स के उसको ग्राउंड कर दिया गया या उसको डिसकंटिन्यू किया गया, तो कुछ उसके टेक्निकल कुछ मसाइल थे, कुछ ये चीज़ें पॉलिटिकल बहुत होती हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। तो जो हमारा इंजन है ना, ये बेसिकली सुपरसोनिक है, उसके लिए एक नया इंजन बनाया गया जो कि शोर पैदा नहीं करता या इतना आवाज़ पैदा नहीं करता। तो आप जैसे कि आपके आम इंजन्स जहाज़ के टेक ऑफ या लैंड करते हैं, उसी तरह से उतनी ही आवाज़ पैदा करके ये टेक ऑफ और लैंड करेगा और आसमान में जाके सुपरसोनिक हो जाएगा। मुझे ये बताएं, आपको इसका आइडिया कैसे आया? ये पहले पाकिस्तान में नहीं था, पहली बार आपने ईजाद किया, कैसे आइडिया आया? आइडिया तो बहुत पहले आया। बेसिकली अब एक ज़माना था कि वक्त की इतनी कीमत नहीं थी,
अब वक्त की बहुत कीमत है, मतलब लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाएं चंद घंटों में, या यहाँ से यूएसए चले जाएं एक दिन के अंदर अंदर। अभी हमें कभी कई दफ़ा जिस तरह हम जाते हैं तो 24 घंटे में हम पहुँचते हैं ट्रांजिट्स करके, और ये तो वो चाहते हैं कि एक डायरेक्ट फ्लाइट से। तो एक डिमांड है फास्ट ट्रैवल की। और मुझे आइडिया ऐसा आया कि जब मैंने PhD शुरू की और मैंने जेट इंजन्स के बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा, और मुझे पता लगा कि ये इसमें ये एक प्रॉब्लम है इस इंजन में, और क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर जहाज़ था, बड़ा क्योंकि सिविल स्पेस में, मिलिट्री में तो बहुत जहाज़ होते हैं लेकिन कमर्शियल स्पेस में कॉन्कॉर्ड वाहिद जहाज़ था जो कि सुपरसोनिक था। तो हम उसके बारे में पढ़ते थे और उसके इंजन के बारे में भी, और वो हमारी जो यूनिवर्सिटी के म्यूज़ियम में भी वो इंजन पड़ा हुआ था ग्राउंडेड, तो वो हम देखते भी थे। उसका नाम ओलंपस इंजन था। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि इसको अगर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए तो ये फिर इतनी आवाज़ नहीं पैदा करेगा। तो वो एक आइडिया मुझे उस वक्त आया। मैंने उस पर PhD में भी काम करना चाहा, लेकिन चूंकि उस वक्त मेरी एक स्कॉलरशिप थी और मुझे ये माहौल दोस्त इंजन पे काम मिल गया, तो फिर ज़ाहिर है मैं उसके ऊपर चली गई। और दूसरा ये है कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप आम सुपर सबसोनिक इंजन्स बनाते हैं तो वो आसान है, कदरे आसान है, ये बहुत चैलेंजिंग है। इसका डिज़ाइन भी, इसकी कैलकुलेशंस भी, और इसको बनाना भी, इसको टेस्ट करना भी। फिर चूंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ काम करती थी तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे GF-17 का इंजन दिखाया कंप्यूटर पे, और हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने भी किस तरह का इंजन ईजाद किया है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको पेटेंट करा लें। तो फिर मैंने उसका पेटेंट भी, अब एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर होता है और उसका टाइम नहीं मिलता था, और फिर जब कोविड हुआ और ज़रा टाइम ज़्यादा था तो मैंने उसका एक पेटेंट लिखा। फिर वालिद साहब से डिस्कस किया, उन्होंने उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट्स की, चीज़ें ऐड की, फिर एक फ़ाइनल पिक्चर उसकी निकली। और फिर हमने उसको रजिस्टर किया UK में। UK में वो 8-9 महीने में ग्रांट हो गया, और जब वहाँ ग्रांट हो गया तो आप एक दफ़ा एक मुल्क में पेटेंट ले लेते हैं तो उसकी बेसिस पे आप दूसरे ममालिक में अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने US में अप्लाई किया, और US में भी ज़्यादा देर नहीं लगी। एक दफ़ा वो करेक्शंस के लिए आया पेटेंट, और उसमें थोड़े से एग्ज़ामिनर ने चेंजेस सजेस्ट किए, उसके बाद वो पेटेंट भी ग्रांट हो गया। आमतौर पर कई दफ़ा पेटेंट्स को 5-5 साल लग जाते हैं ग्रांट होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईजाद थी ये बहुत जल्दी इसको हम पेटेंट करा पाए। और अब इंशाल्लाह अभी तो हम जो ये हमारा काम है, बेसिकली शुरू मैंने अपने वालिद साहब के साथ ही किया था, वो भी एक साइंसदान थे, और मेरी PhD में भी उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, मुझे पढ़ाया सिखाया, और उसी के अंदर उन्होंने वो माहौल दोस्त इंजन भी ईजाद किया जो कि उनकी ईजादात हैं, उनके नाम पे पेटेंट्स हैं इंटरनेशनल। ये बताएं आपको इस सारे प्रोसेस में कितना वक्त लगा, कितने अरसे में आपने ये बनाया? कंपनी लॉन्च की थी 2018 में, तो उससे पहले जो मेरी PhD थी उसमें तो ये माहौल दोस्त इंजन का मैंने सारा डिज़ाइन और सिमुलेशंस और इंजीनियरिंग मॉडल वो सारा बनाया, उसकी इन्वेंशंस हुई, पेटेंट हुआ। उसके बाद 2018 से तकरीबन आप कह लें 2020 तक हमने वो पाकिस्तान का पहला जेट इंजन बनाया। फिर 2020 के जो था उसमें ज़रा चीज़ें स्लो डाउन होना शुरू हुई, कोविड आ गया और कुछ उसके मसाइल जैसे आपको पता है पूरे मुल्क में थे। उस दौरान हमने ये इस इंजन का पेटेंट किया। इसके अलावा जो अपना माहौल दोस्त इंजन है उसका डिज़ाइन वगैरह मुकम्मल किया और उसको बनाया, उस इंजन को बनाया। फिर तकरीबन 2021 में दोबारा से हमारा काम जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड अप हुआ। और इसके अलावा हमने चूँकि पाकिस्तान में ये एक पहली कंपनी है अपने तर्ज की जो कि एरोस्पेस इंजन्स पे, जहाज़ों के इंजन पे R&D करती है, तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हमें मुहैया नहीं है, बहुत सी मशीनरी हमें मुहैया नहीं है। कई दफ़ा ये होता है कि हमने अगर एक काम करना है तो उसके लिए मशीन नहीं है तो पहले हमें मशीन बनानी पड़ती है।
इसी तरह इस दौरान हमने दो मशीन्स बनाई स्पेसिफिक इंजन्स के लिए, जेट इंजन है इसकी टेस्टिंग हमने की, फिर जो माहौल दोस्त इंजन है उसकी टेस्टिंग की, और अब ये हमारा तीसरे इजाद है जो कि एक सुपरसोनिक इंजन है, और इसके ऊपर अब हमने डिज़ाइन वर्क पे काम शुरू कर दिया। ये बताएं कि सुपरसोनिक इंजन और जेट इंजन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, और दूसरा ये बताएं कि इन दोनों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सो जेट इंजन जो है ना एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब देखें दो किस्म के इंजन होते हैं, एक होता है पिस्टन इंजन जो आपकी गाड़ियों में लगता है, ठीक है, और वो पेट्रोल पे भी होता है डीजल पे भी होता है। पेट्रोल पे छोटी गाड़ियों में जनरली, डीजल पे ट्रक्स और बड़ी हैवी व्हीकल्स पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी है जेट इंजन, जेट इंजन को हम एक गैस टर्बाइन इंजन भी कहते हैं। वो जो इंजन है वो ज़्यादा हाई स्पीड के लिए, छोटे जहाज़ होते हैं जो कि आप कह लें सिंगल सीटर, टू सीटर, ट्रेनर्स, इनमें कई दफ़ा पिस्टन इंजन लगा होता है जो कि एक वो प्रोपेलर आपने देखा होगा उसके आगे एक पंखा घूम रहा होता है उसको घुमाता है। लेकिन जो बड़े जहाज़ होते हैं जिनमें आपको पावर टू वेट रेशो एक चीज़ होती है कि कितना एक इंजन जो है वो अपनी कितनी वज़न से कितनी पावर उठा दे सकता है। यानी हम चाहते हैं कि जब आपने किसी चीज़ ने आसमान में उड़ना है तो उसका जो पावर टू वेट रेशो है वो हाई होना चाहिए, यानी आपको हर चीज़ हल्की बनानी होती है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उसका वज़न कम हो और वो ज़्यादा पावर दे। अब इसमें दो कैटेगरीज आगे आ जाती हैं, एक सुपरसोनिक आ जाता है और एक सबसोनिक आ जाता है। सबसोनिक जो आम इंजन आप आसमान में देखते हैं बोइंग एयरबस के, और सुपरसोनिक जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। सुपरसोनिक इंजन आपने बनाया है, इस पर आपका कितने एक्सपेंसिव लगे? अभी हमने जो सुपरसोनिक इंजन हमने सिर्फ इजाद किया है, जो हमने बनाया है वो जेट इंजन है, एक सिंपल टर्बो जेट सबसोनिक इंजन बनाया। इस पे हमें हमारा काफ़ी एक्सपेंस लग चुका है, और शुरू में हमें एक फंडिंग थोड़ी सी मिली थी एक एक्विटी शेयरिंग पे, एक जो कंपनी ख्वातीन के प्रोजेक्ट्स को फंड करती थी, लेकिन वो बहुत एक मिनिमल सी फंडिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की पाकिस्तान में कोई सपोर्ट भी नहीं है और कोई वैल्यू भी नहीं है। हालांकि ये एक चीज़ ऐसी होती है कि इसमें इतनी वैल्यू एडिशन है, ये आपके मुल्क के लिए इतना ज़रूरी है। इसका जो कहते हैं कि कीमत होती है एक जेट इंजन की, वो अगर आप मेरे जैसे उस्ताद थे वो बताते थे कि आप इसको तोलें तो उसके एवज़ जितनी चांदी होती है ना उतना उसकी कीमत होती है। इस तरह की इसमें टेक्नोलॉजी लगती है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम अपने मुल्क में डेवलप कर लें तो उसका फ़ायदा यह है कि हम बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं कि आप जो इंपोर्ट पे ज़ाया करते हैं। उसके अलावा ये कि बहुत से, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, बहुत से मुमालिक आपको ये बेचते भी नहीं हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपने आप तक महदूद रखें। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे, हुकूमत इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो? क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं, हमारी सारी पॉलिसीज़ इसी तरह हैं कि कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करे, सारी इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट खा जाती है, सबको लगता है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, हर कोई उसमें जाके इन्वेस्ट करता है। आपकी एजुकेशन कहाँ से है और कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल? जी मैंने बेसिक तो इस्लामाबाद से हूँ मैं बिलोंग करती, और जो स्कूल एजुकेशन है वो मेरी इस्लामाबाद की है, OPF कॉलेज की। फिर ए लेवल्स के बाद मैंने EME कॉलेज नास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब की लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, और उसका मेरा कुछ तजर्बा है। फिर इसके साथ मैंने लाहौर फ्लाइंग क्लब में इनरोल किया, वहाँ से प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली UK की, तो मैं मास्टर्स करने गई क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने एरोस्पेस डायनामिक्स जो कि जहाज़ों की स्टडी होती है उसके ऊपर मास्टर्स किया, और ड्रोन्स के ऊपर काम किया, ड्रोन आउटो पायलट्स पे। फिर वहीं से मैंने इसके साथ साथ मैंने वहाँ पे एक्रोबैटिक फ्लाइंग जो होती है, जैसे आप एयर शोज़ में देखते हैं जो अपसाइड डाउन प्लेन्स को फ्लाई करते हैं, वो भी सीखा उस यूनिवर्सिटी में। वो वहाँ एक एयरपोर्ट था उनका, और वहाँ पे मैंने PhD की जेट इंजन्स में, जहाँ पे मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया
माहौल दोस्त इंजन पे, उसकी भी मुझे एक स्कॉलरशिप मिली। तो हमने एक जेट इंजन पूरा बनाया और हमने एक माहौल दोस्त इंजन की जो इजाद है उसको भी पूरा बनाया, और तीसरा हमने एक पेटेंट भी लिया है। तो ये हमारे लिए एक तीसरा, मेरे वालिद साहब का तीसरा पेटेंट है, मेरा ऑफिशियली पहला पेटेंट है, लेकिन पिछले दोनों पेटेंट्स में भी मैं उनके साथ हेल्प करती थी और काम कर रही थी। और तो और कुछ हमने मशीनरी भी बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि जितने साल हमने काम किया है, चार एक साल, उसमें हमने 3-4 माइलस्टोन्स अचीव किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है कि मुझे वो कुछ ऐसा काम करना पड़ता है कि मैं इतने फंड्स जनरेट करूं कि मैं अपनी कंपनी को सस्टेन कर लूं। और फिर ज़ाहिर है कंपनी का काम, और चूंकि ये मेरी और मेरे वालिद साहब की कंपनी थी, वो CTO थे, तो ज़्यादा पहले ये था कि टेक्निकल काम वो ज़्यादा देखते थे, और मैं CEO थी तो मैं बिज़नेस डेवलपमेंट भी देखती थी किसी हद तक, टेक्निकल भी देखती थी। लेकिन अब चूंकि पिछले साल उनकी वफ़ात हो गई, तो उसके बाद से मैं दोनों साइड्स देखती हूँ, तो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। आपके वालिद साहब का क्या नाम है और वो क्या काम करते थे? मेरे वालिद साहब का नाम था मसूद लतीफ़ कुरैशी, वो भी एक साइंटिस्ट थे, और उनकी बहुत सी इजादात थी यानी ऑटोमोटिव साइड पे। उन्होंने इससे पहले भी एक जो पेट्रोल इंजन है वो रोटरी इंजन इजाद किया था। अब आपकी डेली रूटीन क्या है, कितने घंटे आप अपनी टीम अपने कंपनी को देते हैं, और क्या रूटीन? डेली रूटीन तो मेरी बहुत टफ है, कंपनी में मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है। हम तकरीबन यहाँ 8-8:30 बजे सुबह स्टार्ट करते हैं, 5 बजे ख़त्म करते हैं, और सैटरडेज़ भी हमारे फुल वर्किंग डे होता है। आपने जेट इंजन बनाया, सुपरसोनिक इंजन इजाद किया, क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिली, कोई इनाम मिला, कोई शील्ड? अभी तक तो नहीं मिला। हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इस तरह के जो दीगर जितनी भी डिग्रीज हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, बाद में बड़े मसाइल हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी, क्यों नहीं मिलती जॉब्स, और इस जो इस तरह की डिग्रीज हैं या इस तरह के शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं वो परेशान क्यों? जी, जॉब्स का तो एक बहुत बड़ा मसला है, उसके 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ चूँकि R&D नहीं होती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती इसमें, इंजीनियरिंग में, तो ज़ाहिर है जॉब क्रिएशन भी नहीं है, और ऐसी कंपनियां ही नहीं खुल रही, मतलब बड़ी लिमिटेड सी कंपनियां, अगर गवर्नमेंट की गिनी चुनी कंपनियां या डिफेंस की गिनी चुनी कंपनियां हैं, और उनके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, और वहाँ पर भी एज सच कोई ग्रोथ नहीं है, और कोई मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस ओरिएंटेड जॉब्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कम जॉब हैं। डिफेंस टू में डिफेंस R&D होती है, उधर जॉब्स हैं, बट ऑब्वियसली वो एक लेवल तक ही लोगों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस।